स्वागत है आपका टेक्नो व्लॉगी में। मैं ऋषभ पारिक और मैं लेके चलूंगा आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। चलिए भूम भूम चलते हैं। तो एक शानदार इंट्रो से वापस आने के बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या हमारी वीडियो जो की है। Xiaomi ने लॉन्च कर दिया MITV 4X 2020 एडिशन इंडिया में और उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और क्या इसकी प्राइस है, आप इसे कहां से खरीद सकते हो और क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों और दोस्तनियों, मोरो और मोरनियो, इट डजंट इवन मेक सेंस बट स्टिल, Xiaomi ने पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और टीवी भी लॉन्च किए। MITV 4X जो लाइनअप था वो ये है, MITV 4X नाम से, और उसी को आगे बढ़ाते हुए 2020 एडिशन भी आ चुका है। तो इसमें क्या कुछ नया ऐड किया गया है वो मैं बताता हूँ आपको। इसकी स्क्रीन 55 इंच की है और इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और ऐसे जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, उनका सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। MITV ने जो पास में लॉन्च किया था MITV 4X Pro, ये उसी का सक्सेसर है और उसी लाइनअप को आगे बढ़ाते हुए इसको कंपनी ने लॉन्च किया है। और अब इसमें आपको काफी नई चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे वो 55 इंच का था और ये भी 55 इंच का है, तो इसमें नई चीज क्या है, ये 55 इंच की डिस्प्ले है वो 4K है। अब यहाँ आपको 4K पैनल देखने को मिलेगा और नई चीज ये है कि इसमें HDR10 का सपोर्ट होगा और Xiaomi की सो कॉल्ड जो विविडनेस पिक्चर इंजन है, पिक्चर इंजन करके उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया, उसमें क्या होता है कि जो आप नॉर्मल टीवी पे क्वालिटी देखते हो उसकी विविडनेस और उसके जो ब्लैक्स हैं, हाइलाइट्स हैं, सैचुरेशंस हैं, वो ज़्यादा क्लियर देने का वादा करती है Xiaomi का जो ये इंजन है, पिक्चर इंजन, सो कॉल्ड पिक्चर इंजन वो है। तो कंपनी का ये कहना है कि भाई आपको ज़्यादा विविडनेस मिलेगी, आपको क्लैरिटी है वो ज़्यादा मिलेगी। तो ये यहाँ हमें इस चीज़ में देखने को मिलता है MI 4X TV 2020 एडिशन में। इसमें आपको 20 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं जिसमें डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट होता है। डॉल्बी एटमोस अगर है किसी चीज़ में तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ग्रेट हो जाती है अगर कंपेयर करें नॉर्मल से। वन प्लस टीवी के मैंने देखा था, वन प्लस टीवी, उसके जो स्पीकर्स हैं उनके बारे में बहुत मतलब ऐसे तबाही की जाने वाली थी कि भाई साहब इसके जो स्पीकर्स हैं वो क्या किलर होंगे, और उसमें भी डॉल्बी एटमोस था। मैं बिना साउंड बार वाले वेरियंट की बात कर रहा हूँ। बिना साउंड बार वाला वेरिएंट ठीक ठाक था, मतलब नॉर्मल था, इतना कुछ खास तबाही वाली चीज़ नहीं थी उसके अंदर। तो जो साउंड बार वाला एडिशन है हो सकता है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, वो मैंने अभी तक देखा नहीं। बिना साउंड बार वाला एडिशन मैं देख चुका हूँ, मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो वो इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा है। हाँ, पिक्चर क्वालिटी भी बाकी कंपेयर करें अदर्स से तो स्लाइटली बेटर है। एकदम 70,000 रुपये देना किसी टीवी के लिए वाजिब तो नहीं लगता, लेकिन ऑल ओवर अगर आपके पास ज़्यादा पैसे और आपको क्वालिटी चाहिए तो आप उसको अफोर्ड कर सकते थे। तो Xiaomi का जो ये नया सो कॉल्ड नया टीवी है Xiaomi का, वो 2 दिसंबर से Xiaomi की खुद की वेबसाइट और Flipkart के ऊपर दोनों के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा और इसकी प्राइस उन्होंने 35,000 रुपये रखी है। 35,000 के हिसाब से अगर हम देखें तो स्मार्ट टीवी काफ़ी आपको सही चीज़ें देने का वादा करता है अगर बाकियों से कंपेयर करें। हालांकि इसका कंपटीशन भी टफ होता जा रहा है। Xiaomi के जो टीवी हैं वो बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और Xiaomi ने हाल ही में जो Q3 का डाटा आया था उसके हिसाब से देखें तो बहुत सारे टीवी बेचे हैं, टॉप 1 पे चल रही है। अगर टीवी बेचने के बारे में बात करें, स्मार्ट टीवीज के बारे में बात करें Xiaomi, तो Xiaomi टॉप के ऊपर चल रही है इंडिया में, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और लॉन्च किया अपना ये नया टीवी। और ये टीवी जो है स्मार्ट टीवी, ये Xiaomi के खुद के जो पैच है MIUI 2.0, जो कि खास MITVs के लिए बनाया गया है, और उसमें आपको Android 9.0 पाई का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें आप Netflix, Amazon Prime, Hotstar, YouTube और काफ़ी ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कर सकते हो।
अच्छी बात ये है कि अगर आप इसे 31 जनवरी 2020 से पहले खरीदते हो तो आपको एयरटेल के डीटीएच का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 3 महीने के लिए 1800 रुपये में, और नॉर्मल इसकी प्राइस है वो 3500 रुपये के आसपास है। तो यहाँ आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इसे अभी परचेज करते हो 31 जनवरी से पहले। इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी 2 दिसंबर से फ्लिपकार्ट के ऊपर और MI की वेबसाइट के ऊपर, तो आप इसे वहाँ से परचेज कर सकते हो। ऑल ओवर जब भी टीवी लॉन्च हो जाएगा हम इसे परचेज करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा ये टीवी और क्या आपको ख़रीदना चाहिए, क्या आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए इस टीवी के अंदर या फिर नहीं। थी हमारी वीडियो MI टीवी के ऊपर जिसमें हमने आपको बताया कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है और काफ़ी कुछ नई चीज़ें बताई जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ जिनमें आपके ज्ञान को मतलब अल्टीमेट लेवल पे पहुँचाया जाए या फिर आपको फ़ायदा हो, आपके लिए ऐप्स लेके आता हूँ, गैजेट्स लेके आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है।